मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी पर, केजरीवाल का पीएम मोदी पर हमला, इंदिरा गांधी से की कैसी तुलना, जैसे एक जमाने में इंदिरा गांधी ने अति कर दी थी, आज प्रधानमंत्री जी अति कर रहे हैं। और जब अति हो जाती है तो फिर प्रकृति अपना काम करती है। अभी मैं पिछले 3-4 दिन से जनता से खूब बात हुई है, मेरी हजारों लोगों से बात हुई है, और मैंने कई लोग भेजे जनता के बीच में पता करने के लिए कि मैंने अभी MLAs के साथ भी मीटिंग की, काउंसलर्स के साथ भी मीटिंग की, उसमें भी मैंने उनके राय जानी। जनता में भारी रोष है, जनता में इतना ज्यादा रोष है, जनता कह रही है ये कर क्या रहे हैं बीजेपी वाले, मतलब जिसको मर्जी पकड़ के जेल में डाल देते हैं, जिसको मर्जी पकड़ के जेल में डाल देते हैं। जनता में बहुत ज्यादा रोष है, आम आदमी पार्टी को ये रोकना चाहते हैं। जब से हम पंजाब जीते हैं इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो मैं उनको कहना चाहता हूँ, इन लोगों को, बीजेपी वालों को, आम आदमी पार्टी आंधी है, आंधी। अब ये किसी के रोके रुकने वाली नहीं है। नो वन कैन स्टॉप द आइडिया हुज टाइम हैज कम एंड आम आदमी पार्टीज टाइम हैज कम। अभी हमारी काफी चर्चा हुई है। एक और चीज है, ये पूरा शराब नीति वाला अगर घोटाला है, ये क्या है? अगर एक आम आदमी की भाषा में समझा जाए तो शराब नीति का घोटाला क्या है? बड़ा टेक्निकल है, आम आदमी को समझ नहीं आता। मैं आपको 4 लाइन में समझा देता हूं। ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि मनीष सिसोदिया जी ने शराब की दुकान वालों से पैसे खाए, यही तो आरोप है। मोटे मोटे तौर पर आरोप तो यही है, इसीलिए उनको मनीष सिसोदिया जी ने शराब वालों से, कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि शराब वालों से कोई किसी डिबेट में क्या देते हैं 100 करोड़ खाए, किसी डिबेट में क्या देते हैं 1000 करोड़ खाए, किसी में क्या देते हैं 10,000 करोड़ खाए। इन्होंने मनीष सिसोदिया जी के घर पे रेड मार ली, सारे गद्दे फाड़ दिए, दीवारें तोड़ दी, कभी दीवारों में छुपा रखा हो पैसा। मनीष सिसोदिया जी के चाचे पे, ताऊ पे, मामे पे, ताऊ मौसी पे, सब पे रेड मार ली इन्होंने। बैंक लॉकर देख लिए, कुछ नहीं मिला। भाई जो आदमी 100 करोड़ रुपए खा गया, उसके घर में 1-2 करोड़ तो बिखरे हुए ही मिल जाते हैं, 1-2 लाख, 10 लाख रुपए तो यूं ही मिल जाते हैं। मनीष सिसोदिया के 10,000 रुपए नहीं मिले, 10,000 रुपए नहीं मिले उसके घर पे, उसके बैंक लॉकर में कुछ नहीं मिला। कोई आदमी 100 करोड़ रुपए दबा जाएगा, अपनी वाइफ के लिए थोड़े बहुत जेवर खरीदेगा, कुछ जेवर नहीं मिले, कुछ नहीं मिला, तो पैसे गए कहां? तो कहां से मिलेंगे पैसे जब खाए नहीं? ये पूरा घोटाला, ये पूरे आरोप है। आने वाले समय में ये तय हुआ है आज सभी MLAs और इसके साथ कि दिल्ली के डोर टू डोर कैंपेन करेगी आम आदमी पार्टी। एक एक घर में जाएंगे, एक एक व्यक्ति से बात करेंगे, और हम समझाएंगे कि किस तरह से, जैसे एक जमाने में इंदिरा गांधी ने अति कर दी थी, आज प्रधानमंत्री जी अति कर रहे हैं। और जब अति हो जाती है तो फिर प्रकृति अपना काम करती है, फिर ऊपर वाला अपना चक्कर चलाता है, ऊपर वाला फिर अपनी झाड़ू चलाता है। अब इन्होंने अति कर दिया, ये अति ठीक नहीं है। तो जनता को एक एक घर में जाएंगे, जनता को समझाएंगे, और जनता इसका जवाब देगी। जनता सारा देख रही है, जनता में बहुत भारी रोष है।